पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे बापू वाटिका की, जहां पर बापू की 151वीं जयंती साथ में सांसद संजय सेठ भी नीचे उतर जाना है जैसे लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बापू वाटिका की। रघुवर दास पहुंचे वहां पर बापू की 151वीं जयंती और बापू को नमन करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। हाँ इस साइड से उमेश भाई आने दे आराम से कोई रोड़ी नहीं बस इतना तो और आज महात्मा गांधी के विचार जितने बड़ा संदेश देखिए आज इस भारत माता की कोख से दो महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, तो दोनों महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर आज हमें उन्हें श्रद्धा सुमन और सरसत नमन करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की एक ही कल्पना थी कि भारत गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में है। सही आज़ादी तभी मानी जाएगी जब गांव और गांव में रहने वाले किसान आत्मनिर्भर बने, और उसी सोच को जब से हमारे देश में आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से भारत आत्मनिर्भर बने, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, उन सपना को साकार करने के लिए कि गांव आत्मनिर्भर बने, किसान आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में लगातार काम कर रही है। और हम कह सकते हैं कि आज़ादी कितने वर्ष के बाद महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति खूब हुई, लेकिन महात्मा गांधी के जो कल्पना थी, जो संकल्प था, आदरणीय मोदी जी आज सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज भी प्रासंगिक रहेंगे, कल भी प्रासंगिक रहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे।